सब है सबके गौसुल आजम सरकार। तो आपके पास एक बंदा आया गौसुल आजम जी लानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो वो आके कहता है हुजूर मैंने ख्वाब में देखा मेरे वालिद साहब के जिस्म पर जंजीरें ही जंजीरें हैं और जंजीरें आग की हैं और मेरे वालिद साहब चीखे मार रहे हैं और कह रहे हैं मेरी माफी करवा दो। अब ये देखिए ये वो हस्ती है जिनका जाहिर में नहीं जाहिर में भी आग में बज़ल में भी जमीन और आसमान में भी इनको हर कोई जानता होता है। ये अल्लाह के दरवेशों की ये शान है। अब वो आलमे बरज़ख में है, अज़ाब नाज़िर है। अपने बेटे को ख्वाब में उनके वालिद साहब आए, कहता बेटा जाओ फौरन शेख अब्दुल कादर जिलानी के पास जाओ, मेरे लिए दुआ करवा दो। वो दुआ कर देंगे अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा। तो बेटे ने कहा आप तो मान आपका तो आप गए ही नहीं जिंदगी सारी, आपको तो पता भी था उनका इतना नाम था। कहते बस अपना मेरी जान छुड़वा दो, मैं बहुत शदीद अज़ाब में हूं। तो उनका बेटा गया गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप बयान फरमा रहे थे मजमा लगा हुआ था, मजमा आपका हर मजमा गौसुल आज़म सरकार का 70,000 1,00,000 1,25,000 का मजमा होता था जिस दिन आप बयान फरमाते थे। और ये माइक मूल कोई नहीं होते थे, आप ऐसे बयान फरमाते थे जैसे इनको बात सुन रही है, आखिरी बंदे को भी वैसे ही बात सुन रही थी। ये गौसुल आज़म की एक लहजा करा पड़ रहा है, 1,00,000 बंदा खड़ा आवाज जाती जा ही नहीं सकती। तो गौसुल आज़म सरकार के पास आया क्योंकि वो सरकार का मुरीद था, मोहब्बत करने वाला था। देखते हैं निस्बत से दूसरों के भी फायदे हो जाते। उससे अर्ज की हजूर मेरे वालिद साहब मेरे ख्वाब में आए हैं, अज़ाब में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पीरों के पीर के पास चले जाओ, मेरी दुआ करवा दो, मेरी बख्शिश की दुआ करवा दो। अब अज़ाब नाज़िल है, दुनिया में जो किया था उसका आगे काम शुरू है, बंदे ने जो इधर किया आगे उसका अज़ाब, किसी को फायदा किसी को अज़ाब। तो गौसुल आज़म सरकार ने फरमाया कभी वो इधर आया था हमारे आस्था में? कहते हजूर नहीं कभी नहीं आए। मैं कभी महफिल में आया था? नहीं हुजूर महफिल में नहीं। कभी इधर से कोई गुजरा ही हो हमारे दर से, कभी कोई बात ही की हो मोहब्बत की थोड़ी बहुत भी? कहते हुजूर एक मरतबा आपके मदरसे से के करीब से हम गुजरे थे मैं और मेरे वालिद साहब, तो उन्होंने बस ऐसे कहा था अच्छा ये गौसुल आज़म सरकार का ये है आस्था। बस इतनी मोहब्बत की और कुछ नहीं किया, बाकी अपनी दुनियादारी में जो भी मतलब बस है ये अज़ाब बताते ही ना क्या होता होगा दुनिया में। आपने फरमाया अच्छा चलो ठीक है जाओ चले चले जाओ। अब वो बंदा जाके सो गया, रात को ख्वाब आई, ख्वाब में देखा कि उनके वालिद साहब ने जन्नती लिबास पहना हुआ है, जन्नती लिबास पहना हुआ है। अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने पीरों के पीर से दुआ करवाई, जब तुम गए थे जब तुम बात कर रहे थे अल्लाह ने उसी वक्त मेरी ये जो जंजीरें थी अजाब की उसी वक्त खत्म करके फरमा दिया कि लाओ अब जन्नत लो, वो मेरे वो से तुम्हारे लिए दुआ कर दी। अब सरकार ने देख लिया ज्यादा दुआ नहीं की थी, आपने बस सुना था अच्छा ठीक है भाई, उनका ऐसे ही फरमा देना यही दुआ होती, इससे सब कुछ ही होता है। जरूरी नहीं हाथ उठाए दुआ करें, अल्लाह के फकीर को बात कही अर्ज की उन्होंने बस सुन ली ना तो बस आपका काम हो गया हुआ समझ लो उनकी तवज्जा चलेगी। तो देखें उनकी मोहब्बत, ये जो हम निस्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो गुजर जाते हैं उनके लिए फिर इन दरवेशों के सदके इनकी दुआओं का सदका फिर अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देते हैं।